प्यारे विद्यार्थियों, आज असी संभावना चैप्टर के उपर कुछ सवाल हल करांगे। इस तो पहला संभावना रिलेटिड एक्सरसाइज ते उसका बेसिक तुसी कर ही चुके हो। असी जानते हैं कि संभावना जिहड़ी है चैप्टर दे विच किसी भी ईवेंट की किसी एक घटना की संभावना की हुंदी है कि उस घटना के होने के जिन्ने चांसिस ने बटा कुल जिहड़े चांसिस ने कुल परिणाम जिहड़े ने उसनों असी संभावना कहते हैं। आओ अपने कुछ सवाल देखिए। एक क्रिकेट मैच मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता, मेन मेन चीजों लिख देना। एक क्रिकेट मैच एक बैट्समैन ने 42 गेंदों में 42 गेंदों में 6 बार गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचाई, यानी कि 6 गेंदों के बीच उसने चौका या छक्का मारिया। असी दसना है कि गेंद सीमा रेखा के ना पहुंचने की कितनी संभावना है, गेंद सीमा रेखा या बाउंड्री के ना पहुंचने की कितनी संभावना है। कौन साढ़े को गेंदा कि ने जिसनों असं कुल परिणाम कह सकते हैं 42, और सीमा रेखा या बाउंड्री उपर जिन्हें पहुंचिया ने वो किनिया ने गेंदा 6, सीमा रेखा उपर ना पहुंचने वाली किनिया गेंदा हो गई 42 - 6, ये आ गया साढ़े को 36, और इसकी संभावना कितनी होगी 36। कुल किनिया सी 42, यानी कि साढ़े को 42 36 गेंदा जो सीमा रेखा नहीं पहुंचिया, तो साड़ी संभावना कितनी होगी 36 - 42। इसनों असी सिंपलीफाइड कर सकते हैं कि 6 - 6 = 36, 7 - 6 = 7, यही साडा आंसर होगा। दो सिक्कियां नूं इकट्ठा उछालिया, देखो दो सिक्के इकट्ठे उछालने का मतलब दो असी लेके अलग अलग नहीं, उन्होंने इकट्ठे ही असी क्रॉस कर रहे हैं। सानू पता है किसी सिक्के जो असी क्रॉस करते हैं दो संभावना होंदिया ने, एक हुंदा चिप जिसनों असी हैड कहते हैं, एक हुंदा पट जिसनों असी टेल कहते हैं। तो दो संभावना होंगे ने, दो सिक्कों को असी इकट्ठा उछालिया 105 बार दोवें चित, यानी कि दोनों हैड दोनों चित आए कितनी बारी 105 बार, 275 बार एक चित, एक चित और एक पार्ट, यानी कि एक हेड और एक टेल कितना आया 275 बार, और 120 बारी कोई चित नहीं, कोई चित नहीं है, हेड नहीं आया 120 बार। हम असी हरेक की संभावना दसनी है, देखो साढ़े सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कि साढ़े को कुल इवेंट किन्ने हुए ने, टोटल परिणाम किन्ने सी, यानी कि असं जोड़ करांगे कुल परिणाम जिहड़े ने जीरो मौत 10 500, कुल परिणाम कितना आया साढ़े को 500। तो दोनों चिट की जी संभावना वो कितनी होगी, टोटल कितने 500, 500 में दोनों चिट कितनी बारी आए 105 बारी, 105 - 500। एक चिट की संभावना एक चित कितनी बार आया साढ़े को 275 बार बटा 500, और कोई चित नहीं
इसकी संभावना कितनी है? ये आ गया 120 बटा 500। देखो साढ़े को 105 सी 105 बटा कुल परिणाम, 275 बटा कुल परिणाम, 120 बटा कुल परिणाम। अगे इसको अभी कल हल कर सकते हैं, 5 देखो 21 5 105 एंड 100 21 बटा 100। इसी तरह 5 देखो जो अभी करते हैं 100 55 25 55 25 फिर 5 देखो कर सकते हैं 11 55, इसमें से कह सकते हैं 11 बटा 20 और इसी से जो कटना चाहिए 6 2 12 और 25 6 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਂ 365 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਵਸਤੂਆਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 365 ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? जेकर 125 खराब ने तो सही वस्तुओं की नहीं होगी है साढ़े को, असी नो माइनस कर दिए 0, 4, 2, 204। और अगे साड़ा सवाल की है, जेकर उन्हां विचों कोई एक वस्तु कढ़नी होवे, हुण इन्हां विचों असी एक वस्तु कढ़नी है, उन्दे वास्ते दो कंडीशनां ने। सब तो पहला खराब वस्तु की संभावना कितनी होगी? और दूसरी है सही वस्तु की संभावना कितनी होगी? देखो खराब वस्तु साढ़े को कितनी है? टोटल 125। टोटल कितनी है? 365। इनकी संभावना कितनी आ गई? 125 बटा 365। इसी तरह सही वस्तुओं कितनी है साढ़े को? 240। और खराब टोटल कितनी है? 365। सही की कितनी आ गई? 240 बटा, अगे इसको से सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 देखो 25 5 125 और 70 यानी ये आ गया 25 बटा 73, 5 से करिए 48, साडा आंसर आ गया 48 बटा 73। ये सभी खराब वस्तु की संभावना और सही वस्तु की जिन्हां विच 15 लड़के ते बाकी लड़कियां, लड़कियां की संख्या कितनी है? 15। लड़कियां कितनी हो जाएंगी साढ़े को? 45 माइनस 15 कितनी हो? 30। इसकी संभावना पता करो, जेकर उन्होंने जो एक विद्यार्थी हो 45 में जो असी एक बच्चा चुनना है तो लड़का होने की कितनी संभावना है और लड़की होने की कितनी संभावना है, ये असी पता करना है। पहली लड़का होने की संभावना, देखो कुल लड़के कितने ने अपने को? 15 और बच्चे टोटल कितने ने? 45। साड़ी को संभावना कितनी आ गई? 15 बटा 45। इसी तरह लड़की होने की संभावना लड़कियां टोटल कितनी है साढ़े को? 30 और कुल कितने हैं ने? 45। देखो बड़ी ध्यान नाल देखने वाली गल है कि साढ़े को जिन्नियां चीजा है ने जिन्हें असी जिनकी संभावना पता करनी है पॉसिबिलिटीज ने कि वह 15 बच्चे 15 में कोई एक बच्चा चुनिया जा सकता है, 15 संभाव
संभावना है किन्नो टोटल जीडिया दिखाई हुई ने 45 इसे तरह 30 लड़कियां ने तो 30 कोई भी एक लड़की हो सकती है तो वह 45 संभावना ने साढ़े को उस बाद हल कर सकते हैं 15 × 15 = 45 आंसर आ गया 3/3 15 × 3 = 45 2/3 इस तरीके संभावना पता कर सकते हैं। एक साड़ी को टेबल दिता है जिसे 30 विद्यार्थियों का ब्लड सैंपल जो ब्लड ग्रुप का सैंपल जो है दिता हो टेबल देखिए ब्लड ग्रुप ए बी ओ या ए बी टोटल 30 विद्यार्थियों का असं सैंपल लिया असं देखते हैं कि उन्होंने गिनती कितनी कितनी है ए गिनती वाले कितने ने 9 बी वाले 7 ओ वाले 11 और ए बी वाले 3 देखिए टोटल साढ़े को 9, 7, 16, 16, 11, 27, 30 टोटल 30 विद्यार्थी कुल विद्यार्थी साढ़े को कितने आ गए 30 हुण असीं संभावना कितनी पता करनी है एक विद्यार्थी किसी क्लास चो इन्हां विचों चकना है चुनना है तो उनके वास्ते ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी होगी ए होने की संभावना कितनी होगी ए वाले कितने बच्चे अपने को 9 कितने बच्चों 30 बच्चों सिंपल जो क्वेश्चन कि 9 × 3 = 9/3 इन्हें हल कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं 3/3 इसी तरह सेकंड पार्ट है ना ब्लड ग्रुप ए बी होने की संभावना ए बी वाले कितने बच्चे ने अपने को 3 कुल कितने ने 3 इस तरीके बी चाहिए तो बी का भी बी के ग्रुप वाले बच्चों की संभावना पता कर सकते हैं सिंपल जहाँ मैथड कुल कितने बी वाले ने 7/3 ओ वाला देखना होगा 11/3 यही साढ़े आंसर देखिए एक डाइस डाइस मतलब जरा लूडो खेलते हैं तो एक पासा होंगे ना जिंद उपर एक 2, 3, 4, 5, 6 अलग गिनती 6 पास लिखी होंगी है एक डाइस को 42 बार ऊपर सुटाया गया और हेठां अनुसार परिणाम प्राप्त होया 42 बार असीं उसको ऊपर सुटाया रिजल्ट की आ सकते ने तो एक आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है अपना 42 दे विच गिनती कितनी कितनी बारी सी जो एक एक दी गिनती 5 बारी आया 2 बारी आया 3 7 बारी आया 4 14 बारी आया 5 10 बारी आया और 6 4 बारी आया हुण साडा सवाल यह है कि 4 आउण दी जिहड़ी है वह संभावना पता करो अते 5 आउण दी संभावना रिजल्ट जिहड़ा है वह 4 आउण दी संभावना गल उ है कि सू पहला पता होना चाहिए टोटल कितनी बार असं सटिया वो असं गिन चुके हैं क्वेश्चन के दिता है कि सू 42 बार असी डाइस में उपर सटिया तो साढ़े को 4 आने की संभावना कि 4 कि बारी है 14 होगी कि 42 14/42 जो है सा आंसर हो इसी तरह 5 आने की संभावना एक टेलीफोन डायरेक्टरी 200 टेलीफोन नंबर हैं सब तो पहला अपना पता होना चाहिए
फोन नंबर लिखा होगा तो उस तरह की डायरेक्टरी में 200 टेलीफोन नंबर है, यानी कि 200 व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर दिए हुए। और टेलीफोन नंबर जिवें कि असीं जानते हैं उदाहरण के तौर पर यह ले लीए टेलीफोन नंबर है किसी व्यक्ति का, इकाई वाला स्थान, दहाई वाले स्थान, इस तरीके नाल सौ दा स्थान, इस तरीके नाल असीं देखते हैं कि अलग अलग अंक दिते होंगे। तो प्रश्न के है कि हेठ लिखी सारणी में इकाई के स्थान के अंक अनुसार गिनती दी गई है, यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक है वो की हो सकता है 0 to 0, 1 to 2, 9 तक इनके अनुसार गिनती दी गई है। आप देखते हैं टेबल इकाई का अंक 0 और गिनती दी गई है सामने 0 वाले कितने ने 11 बंदे ने जिन्हों का टेलीफोन का अगला अंक जो है वो 0 है, 1 वाले 26, 2 वाले 21, 3 अंक वाले 29, 4 अंक वाले 14, 5 अंक वाले 20, 6 अंक वाले 16, 7 अंक वाले 21, 8 अंक वाले 23 और 9 अंक वाले 19। 0 अखीरला जिहड़ा अंक हैगा पूरे नंबर का वो 0 है, तो 11 बंदे 11% ने, 1 है पिछले लास्ट में 26 ने, 2 है 21, 3 है 30। इस तरीके सारणी दी गई है। हम असी इस डायरेक्टरी में एक नंबर चोन करना है तो असी संभावना पता करनी है कि लास्ट डिजिट जरा है अखीरला अंक जरा है वो 4 हो गए। चार होने की कितनी संभावना है यह पता करना है। असी कुल साढ़े को कितने ने परसन 200 ये सानू पता है दिता गया कि 200 व्यक्तियों की लिस्ट है। तो 4 वाले को कितने ने 14, साडा आंसर की होएगा 14 / 200 दे विचों वो 14% जिन्हां दे अखीरला अंक जिहड़ा नंबर 4। इसे तरह अखीरला अंक 5 होने की कितनी संभावना है, 5 वाले कितने ने 200 / 20 / 200 इन्हें कर भी सकते हैं 2 × 7 = 100 / 7 / 100 = 10। इस तरीके असं बाकी अंकों की भी संभावना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर असं जेकर 8 अंक की अखीरला अंक जरा वो की हो 8 हो तो उनकी संभावना देखनी हो तो की होगा 8 वाले कितने ने 23 तो साढ़ा आंसर की होगा 23/200। कि एक मोहल्ले के 20 परिवारों में उन्होंने मैंबर की गिनती सानू दी हुई है। वो गिनती किस तरीके से दी है 10, 5, 4, 2, 6, 3, 2, 2, 4, 3, 4, 6, 6, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 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
पिछले जो पांच ने चौथे चार ने उस अगले जो दो ने अगे छे ने सौ इसलिए हम सानू की क्या गया जिन्हां परिवारों के मैंबर की गिनती चार हो गई उन्हां दी संभावना प्रतिशत विच पता हो सब तो पहला असीं देखिए कि चार मैंबर वाले परिवार की गिनती कितनी एक दो तीन और चार चार मैंबर वाले परिवार की संभावना कितनी होगी
कुल चार, चार वाले चार में और टोटल कितने हैं अपने को परिवार बी, चार बटा बी इसी कर सकते हैं एक बटा पांच। हम साढ़ा सवाल यह है कि चार मेंबर वाले परिवार की संभावना प्रतिशत में बदलना हो तो किसी भी भिन्न जब अभी प्रतिशत में बदलना होंगे तो अभी की करते हैं उस दे नाल 100% लगा देने और संभावना की प्रतिशतता उसी कटांगे पांच तो पांच वी इनकी साढ़ा उत्तर कितना आ गया वी प्रतिशत। इसी तरह सेकंड पार्ट इनका है कि तीन तो वध मेंबर होने दी तीन तो वध मेंबर होने दी जिहड़ी है वह संभावना प्रतिशत विच दसनी तीन तो वध मेंबर होने दी सॉरी मेंबर मेंबर वाले पहले परिवार की असी गिनती देखी किन्नी एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ और दस टोटल किन्ने परिवार ने जिन्हों के तीन तो वध मेंबर ने दस तीन तो वध मेंबरां वाले परिवारां दी संभावना कितनी हैगी दस बटा वी इसनूं हल कर सकते हैं एक बटा दो। हुण गल की हुई कि प्रतिशत दे विच कढ़ना होवे तां इहदी प्रतिशत कितनी होगी एक बटा दो गुणा सौ प्रतिशत दो एक दो पंजा आंसर है पंजा प्रतिशत। इस तरीके असी संभावना प्रतिशत के भी बदल सकते सवाल देखते हैं सिक्कों से संबंधित कि चार सिक्कों को इकट्ठे सौ बार उठा लिया गया हम साढ़े को कितने सिक्के ने चार चार सिक्के ने और इसको असी सौ बार उठा लिया सौ बार उछालन से साढ़े को परिणाम आता है चारे चित यानी कि चारों ही चित या हेड आर्म उनका गिनती कितनी साढ़े को दी हुई है अठारह। तीन चित यानी कि तीन चित हो और एक पट हो टेल होनी गिनती कितनी है छब्बी। दो चित की गिनती कितनी है साढ़े को बत्ती। एक चित होनी गिनती कितनी है सोलह और कोई चित नहीं यानी कि चारे टेल हो या पट हो उनकी गिनती सानू दिती है अठ और टोटल कितना है सौ वाली असी इस पुछा पहला सवाल की है ध्यान देखना है घट तो घट दो बारी चित आने की संभावना पता लगा। देखो घट तो घट दो बारी चित आने की संभावना पहला तो अभी देखिए घट तो घट दो बारी चित आने वास्ते किन्ने परिणाम साढ़े को आए घट तो घट दो बारी चित मतलब दो बारी भी चित हो सकता है तीन बारी भी हो सकता है और चार बारी यानी कि यह तीन चीजा तो कुल ए दो सॉरी घट तो घट चित आने की असं गिनती ले लीए गिनती कितनी है देखिए अठारह छब्बी और बत्ती तिना का जोड़ अठारह छब्बी और बत्ती कि आ गया पे छह संभावना कितनी होगी इसकी छिहत्तर बटा कुल परिणाम सौ इसको असं हल भी कर सकते हैं दो अठत्ती या चार से करेंगे उन्नीस चौबा छिहत्तर
पच्ची चौका सौ साढ़े को आंसर आ गया उन्नीस बटा पच्ची। इसी तरीके सैकेंड एंड एक होर पार्ट है घट तो घट तीन बार चेता आने की संभावना घट तो घट तीन बार चेता आने का मतलब की है कि साढ़े को चार भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं दोनों पॉसिबल ने इन्हों की गिनती कितनी होगी अठारह जमा छब्बी इसकी संभावना कितनी होगी साढ़े को चौताली बटा सौ चार दे कर सकते ग्यारह पच्ची ग्यारह बटा पच्ची के पच्चिया ग्यारह जिले में बड़ी चांस है कि घट तो घट तीन बड़ी चेत सवाल एक और देखते हैं कि सौ विद्यार्थियों द्वारा कुल विद्यार्थी साढ़े को किए सौ प्राप्त अंकों का वेरवा दिता हुआ है प्राप्त अंक और विद्यार्थियों की गिनती जीरो तो दस दस तो भी वी तो तीह तीह तो चाली चाली तो पंजाह पंजाह तो साठ साठ तो सत्तर सत्तर तो अस्सी अस्सी तो नब्बे और नब्बे तो सौ विद्यार्थी अंक लेने वाले विद्यार्थी ने साढ़े को चार अठ भी दस बाई दस छे दस पांच और पांच हम साढ़ा सवाल की अस्सी तो नब्बे अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संभावना अस्सी तो नब्बे कितने विद्यार्थी ले ने पांच विद्यार्थी तो साड़ी संभावना कितनी होगी पांच बटा सौ इसमें से हल कर सकते हैं एक बटा वी दूसरा जीरो तो चाली अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संभावना जीरो तो चाली जीरो तो चाली मतलब ये सारे विद्यार्थी जिन्होंने जीरो को लेके चाली के अंक प्राप्त किए ने ये कितने ने चार जमा अठ जमा बी जमा दस बटा सौ अठ चार बारह बारह बी इकती दस बयाली बटा सौ इन हल करेंगे ना इक्की बटा पचास आंसर इसी तरह एक तीसरा पार्ट है चालीस तो अस्सी अंक वाले विद्यार्थियों की संभावना चालीस तो अस्सी चालीस तो लेके अस्सी ये साढ़े कितने बाई दस छ दस बटा इन जोड़ करिए बई और छे अठाई और भी अड़ताली बटा सौ चार अच्छी कर सकते हैं बारह चार अड़ताली पच्ची बारह बटा पच्ची इस तरीके असी अलग अलग पिछों ग्रुप करके भी संभावना जी कट सकते बेटा अच्छ असी संभावना संबंधित जोड़े ने वो सवाल हल किए हैं अलग अलग तरह की अलग अलग धारणा लेके समझाने की कोशिश की है कि संभावना का बेसिक कंसैप्ट क्लीयर हो सके।